हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11 के अंदर सरल रेखा में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर और माइनस 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे एक रेखा दे रखी है, इसकी समीकरण दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। इस रेखा के समांतर और माइनस 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए ना, एक तो रेखा पर बिंदु पता होना चाहिए और एक उसकी ढाल पता होनी चाहिए, तभी हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखा की जो ढाल होती है ना, वो बराबर होती है m1 बराबर m2। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो इसकी जो ढाल होती है वो होती है माइनस a बटा में b, मतलब माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक। ठीक है, तो देखो क्या है, इस रेखा की जो ढाल आ जाएगी ना, वो आ जाएगी माइनस 3 बटे में माइनस 4। तो जो ये वाली रेखा है, इसकी ढाल भी यही सेम होगी, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं, दोनों की ढाल बराबर है, क्योंकि रेखाएं समांतर है। तो मैं क्या लिखता हूं, दी गई रेखा का समीकरण, ढाल, ढाल को m से लिखते हैं, इसका मान आ जाएगा माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक, मतलब 3/4। अब ज्ञात करने वाली रेखा का ढाल, ये भी इतना ही आएगा 3/4, चूंकि m1 बराबर m2। ठीक है, अब क्या होगा, बिंदु माइनस 2,3 से गुजरने वाली वह ढाल 3/4 वाली रेखा का समीकरण, यानी का y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो यानी का y माइनस वाई वन का मान है 3, m का मान है 3/4, एक्स माइनस एक्स वन, मतलब एक्स वन का मान है माइनस 2, तिरछा गुना कर देंगे तो आएगा 4y माइनस 12 3x प्लस 6, एक ही साइड में ले जाते हैं तो 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एक दूसरा मेथड भी है इसको करने का, कि हमारे पास जो दी गई रेखा है ना, वो तो हमारे पास है दी गई रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब रेखाएं समांतर होती है ना, तो उनके ढाल बराबर होते हैं, मतलब x और y के गुणांक बराबर होते हैं, सिर्फ अचर पद चेंज होता है। तो ज्ञात करने वाली रेखा का जो समीकरण है ना, वो मैं मान लेता हूं 3x माइनस 4y प्लस k बराबर 0 मान लो, या बराबर में k मान लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब क्या है, जो ज्ञात करने वाली रेखा है ना, उस पर बिंदु माइनस 2,3 है, चूंकि यह बिंदु माइनस 2,3 से गुजरती है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह माइनस 2 रख दिया और y की जगह रख दिया 3 प्लस k बराबर 0, तो माइनस 6 माइनस 12 प्लस k बराबर 0, तो k का मान आ गया 18। समीकरण एक से रेखा का जो समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 के लंब तथा x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण निकाल लें। तो देखो, ये जो रेखा है ना, इसका समीकरण तो हमें दे रखा है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, एक तो इसके लंब होना चाहिए, तो मैंने ऐसे जनरली बना दिया। ठीक है, ऐसे एक रेखा गुजर रही है, x अक्ष y अक्ष नहीं है, ये यहाँ पर कोई
बिंदु P है जो x अक्ष पर तीन अंतःखंड काटता है, तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 3, 0, तो इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, मतलब PQ का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण तो हो गया x-7y+5=0 और बिंदु जो हमारे पास हो गया वो आ जाएगा 3, 0, क्योंकि 3 का अंतःखंड कट कर रहे हैं। दोनों रेखाएं लंबवत दे रखी है, जो लंबवत होती है ना तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है, m1 m2 = -1। अगर मैं इसकी प्रवणता निकालू ना, मतलब ढाल, तो आ जाएगा -x का गुणांक / y का गुणांक, मतलब ये तो आ रहा है 1/7, तो इसकी जो ढाल आ जाएगी वो आ जाएगी -7। तो इसकी जो ढाल आ जाएगी वो आ जाएगी -x का गुणांक / y का गुणांक। तो ज्ञात करने वाली रेखा का ढाल ये आ जाएगा -7, क्योंकि m1 m2 = -1। ठीक है, अब क्या होगा, बिंदु 3, 0 से गुजरने वाली वह ढाल -7 वाली रेखा का समीकरण, तो आ जाएगा y-y1 m x-x1, तो आ जाएगा y-0, m का मान है -7, x-3, तो y = -7x+21, तो आ जाएगा 7x + y = 21। सेकेंड वे भी है हमारे पास। सेकेंड वे किस टाइप से करना है, जो दी गई रेखा है ना उसका तो समीकरण हमें दिया हुआ है, दी गई रेखा का समीकरण, इसका समीकरण है x-7y+5=0। तो इसके जो लंब रेखा का जो समीकरण हो जाएगा, लंब रेखा में क्या होता है कि दोनों के ढालों का गुणनफल जो होता है -1 होता है, तो जो लंब रेखा मानेंगे ना वो इस टाइप से होता है कि x और y के जो संख्या है ना वो आपस में चेंज हो जाती है और इनके बीच का चिन्ह भी चेंज हो जाता है। इस टाइप से होता है कि इसकी ढाल और इसकी ढाल दोनों का गुणनफल -1 आना चाहिए, तो संख्या चेंज कर दो और बीच का चिन्ह चेंज कर दो। ठीक है, तो संख्या इसके साथ 1 है, इसके साथ 7 है, तो x के साथ 7, y के साथ 1, प्लस k = 0 कर दो या = k कर दो। ठीक है, अब क्या है, बिंदु 3, 0 रेखा पर स्थित है, जो हमने ज्ञात करनी है ना वो 3, 0 से गुजर रही है, तो x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो k की वैल्यू आ गई -21। ठीक है, समीकरण 1 से, तो 7x + y - 21 = 0, तो आंसर आ जाएगा 7x + y = 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के बीच का कोण अगर हमें दोनों की प्रवणता पता है ना, तो हम निकाल सकते हैं tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2 और इनका मापांक। इससे तो क्या आता है, न्यून कोण आता है। बाद में 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण भी आ जाएगा, क्योंकि जब दो रेखाएं कट करती है ना तो एक तो ये वाला कोण बनता है और एक ये कोण बनता है। हम इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और रेखाओं की समीकरण हमें दे रखी है, तो m1 मान लेते हैं हम -x/y मीन्स -√3 तथा m2 -x/y। तो मैं लिखता हूं, माना रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, इसलिए tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2, तो आ जाएगा tan θ = m2 की वैल्यू है -1/√3, m1 की वैल्यू है -√3, तो ये आ जाएगा +√3 1 + m1,
एम वन हमारे पास है माइनस अंडर रूट थ्री और माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल यह आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री, एलसीएम ले लिया, नीचे ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा वन प्लस वन। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी टेन थीटा इक्वल टू टू अपॉन टू अंडर रूट थ्री, तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ जाएगा और इसको पॉजिटिव ही आ रहा है तो मोड हटा देते हैं। ये टेन थर्टी की वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी तीस डिग्री। ये रेखाओं के बीच में कोण हो गया तथा रेखाओं के मध्य दूसरा कोण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री, ठीक है। रैखिक युग्म से 180 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं एच कोमा थ्री और फोर कोमा वन से गुजरने वाली रेखा रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 के लंबवत है। एक रेखा है जो H3 और 4,1 से गुजर रही है और इसके लंबवत है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब दो रेखाएं लंबवत होती है ना तो उनके ढालों का गुणनफल माइनस 1 होता है। तो हम दोनों रेखाओं की ढाल निकाल लेंगे। पहली रेखा का समीकरण दे रखा है तो इसकी ढाल है इसको M1 से लिख देते हैं, या जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में वाई का गुणांक, तो आ जाएगा 7/9। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं बिंदुओं एच कोमा थ्री व 4,1 से गुजरने वाली रेखा का ढाल, तो यह आ जाएगा, इसको M2 से लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे y2 माइनस y1। दो बिंदुओं से गुजर रही है ना तो रेखा का ढाल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या होगा 1 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस h, तो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h। चूंकि रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत दे रखी है हमें, तो लंबवत होती हैं तो क्या होता है M1 M2 इनका गुना क्या होता है माइनस 1, ठीक है। तो M1 का मान तो है 7/9 और M2 का मान है माइनस 2/4 माइनस h इक्वल टू माइनस 1। माइनस और माइनस कट गया, ये आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 36 माइनस 9h इक्वल टू 1। दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 14 इक्वल टू 36 माइनस 9h, तो 9h इक्वल टू 36 माइनस 14, तो h की वैल्यू आ जाएगी 22/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण सिद्ध करना है। तो दी गई जो रेखा है ना वो तो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बिंदु px1 y1 से गुजर रही है और इसके समांतर है, इस रेखा का समीकरण हमने सिद्ध करना है। तो देखो क्या होगा, दी गई रेखा का समीकरण यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसका जो ढाल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में वाई का गुणांक, ठीक है। तो ये इसका ढाल आ गया माइनस ए बटा में बी, तो इसका ढाल भी सेम ही होगा क्योंकि रेखाएं समांतर है, ठीक है। तो ज्ञात करने वाली रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। चूंकि M1 बराबर M2 रेखाएं समांतर है तो इनके ढाल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको प्लस के मान लेंगे और उससे गुजार के भी कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूं बिंदु X1 Y1 से गुजरने वाली वह ढाल माइनस ए अपॉन बी वाली रेखा का समीकरण,
क्या होगा, वाई माइनस वाई वन माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस एक्स वन। तो गुना कर देते हैं, बी वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन, लेफ्ट में ले आते हैं इसको, तो आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।